अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहजहान है और एक और प्रेडिक्शन ठीक हो गई। मैंने आपको 12 बजे ही बता दिया था जब ये कैंडल यहाँ पर थी, तो आप मेरी शॉर्ट रील भी देख सकते हैं जो मैंने वीडियो 12 बजे अपलोड कर दी थी। उस वक्त BTC जो था 30,315 पे था, और मैंने बता दिया था उसमें कि ये ब्रेकआउट के करीब है, और ब्रेकआउट होने वाला टारगेट भी बता दिया था। तो 30,300 से लेके इसका टारगेट आप देख सकते हैं 30,000, 31,000 लगा लें, $2-3 कम है बस, 31,000 ये इसका टारगेट मैंने दे दिया था। ठीक है, तो ये एक और प्रिडिक्शन ठीक हो गई। और आज साथ ही साथ मैं बिट नोट का भी थोड़ा गाइड करता चलूँगा आपको, कि बिट नोट पे इस पर मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। अभी थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, वरना इसकी और मैं आपको बेसिक ड्राइंग करके ट्रांजेक्शन दिखा देता। तो वैसे तो बिट नोट पे भी कुछ इतने मामला चल नहीं रहे, लेकिन अभी जो है वो इस बिट नोट को मैं देख के बता सकता हूँ कि डॉलर बहुत बुरी तरीके से गिर रहा होगा। तो अभी देख लेते हैं चार्ट, ये देखें देखे ना, सिर्फ मैंने वहाँ से अभी बिट नोट देखा था और मैंने आपको बता दिया था। अभी मैं आपको और बताता हूँ इसके बारे में। तो ये तो थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं कि पोर्ट्स किस तरीके से काम करती हैं इसकी। तो अभी ये भी मैं देख रहा था कि क्या चल रही हैं चीज़ें। अभी मैंने अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ, तो तभी ये थोड़ा सा दिखा रहा है। अभी अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ, चलें इस पे कर लूँगा बाद में। तो BTC की RSI भी ठीक है सब। अभी कोई ट्रेड देख रहा था मैं बैठ के, किस तरीके से ट्रेड करनी है, गेन और लूज ठीक है, और इसका भी देख रहे हैं। तो मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, और ये तो एक है। अभी मैं आपको पूरी लिस्ट में जितने भी हैं ना, इन सबकी मैंने कुछ ना कुछ इनकी स्केल्स बनाई हुई थी। देखें ये सारी मैं टारगेट्स देखता रहता हूँ, अपने खुद बनाता हूँ। मैं अभी एक एक करके आपको दिखाता हूँ सब पे कुछ ना कुछ। ये देखें, इस पे मैंने बनाई हुई थी कि ऊपर जाएगा, और वही ब्रेकआउट किया उसने। अभी रिटेस्ट कर रहा है, पहला टारगेट मेरा हिट हो गया। देख रहे, इस पे भी मैंने दी थी, ये देखें सारी। मैं इसको शॉर्ट कर करके दिखाता हूँ, ये देख, फिर ब्रेकआउट दिया। अब ये रिटेस्ट करेगा यहाँ पर, फिर ऊपर। जैसमिन भी देख लेते हैं, ये देखें। मैंने बोला था ये 4 आवर की कैंडल ब्रेक करती रिटेस्ट लेगा, और दोबारा ये अभी नहीं, ये बहुत पहले मैं करता रहता हूँ बैठ के इस लेवल को टच करेगा, और ये देखें वही टच किया उसने। मैं सारे दिखाता हूँ आपको, ये देखें। मैंने यहाँ बता दिया था कि ये रिटेस्ट एक दफ़ा लेगा। ये आगे पीछे इसलिए होता है ताकि मैं थोड़ा गैप खुद ही देता हूँ, ताकि कैंडल्स मुझे नज़र आए। मैंने यहाँ कर दूंगा तो कैंडल नज़र नहीं आएगी। ये देखें, मैंने बोला था पहले यहाँ आएगी, फिर रिटेस्ट करेगी, अब दोबारा नीचे, और भी नीचे ब्रेकआउट अगर कर दिया तो फिर ये दूसरा टारगेट मेरा नीचे है। कॉम कॉम के मैंने रेजिस्टेंस बता दी थी, और ये ब्रेकआउट आप देख रहे हैं, ये देखें सही से दिखाता हूँ मैं ब्रेकआउट। कॉम जब ये था 30.71 पे, तो मैंने ब्रेकआउट का पहले ही बना दिया था कि ये ब्रेकआउट लेगा। ये देखें, और वो कितना लंबा इसने ब्रेकआउट लिया है। देखें टारगेट, देख रहे हैं आप, फुल एग्जैक्ट वाइट रंग का ये मेरा टारगेट होता है। वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं टारगेट बनाता हूँ। देखें कावा, ये तो मैं सारी आपको कप एंड हैंडल में सारी चीज़ें बनाते रहता हूँ। ये देखें, ये कप और हैंडल बना था, ये कप बना, ये इसका हैंडल बना, और टारगेट एग्जैक्ट, ये देखें मैंने एरो बनाया था, और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जाके, ये देखें एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे बिल्कुल एरो के साथ लगा जाके। फिर मैंने बता दिया रिजेक्शन आएगी ये ब्रेक करके, फिर नीचे, वो अभी भी उसी लेवल पे। तो ये सारे जितने कॉइन्स हैं इन पे सब पे मैं ट्रेड, ये देखें आप, अभी और भी रहते हैं मेरे कॉइन्स, लेकिन सब पे मैंने कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, सिग्नल्स बनाता हूँ मैं खुद बैठ के। तो ये दिखाने का मकसद यही है कि मैं के काम करता हूँ मैं इसके ऊपर खुद ही, और अभी तो एक चीज़ में लगा हूँ, इंशाल्लाह वो भी करीब हो ही जाएगी। तो फिर टाइम कैलकुलेशन पे भी मैं आपको सिखा दूंगा, जब तक बिट नोट देख लेता हूँ। और अभी आपको बताता हूँ के मार्केट बहुत अच्छी है, इसको देखते हुए मुझे लग रहा है DXY ऊपर जाएगा। तो देख, ये देख, सिर्फ मैंने वहाँ देखा और बता दिया आपको DXY ऊपर जाएगा। तो ये देखें ऊपर जाना शुरू, सिर्फ इसको देख के। और DXY का रिलेशन आपको पता है कि इन्वर्स है मार्केट से। तो एक चीज़ आप देख लें, DXY देखेंगे ऊपर जा रहा है तो क्रिप्टो नीचे जाएगी, क्रिप्टो नीचे जाएगी तो डॉलर ऊपर जाएगा। इसका मतलब इन्वर्स रिलेशन है इनका, ठीक है। देख अभी फिर बता दूंगा मैं इसको देख के, अभी आपके सामने इसलिए खोल रहा हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे। बाकी ये अभी थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है मेरा,
वरना मैं इस पे आपको ट्रांजैक्शन करके दिखा था। ये एरो दे रहे हैं ना, अब इस पे सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई है। देखें, ये एड्रेस है, एड्रेस, ब्लॉक, अमाउंट, इनपुट, आउटपुट, इन सब पे चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ती है। तो ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, इसको बाद में समझाऊंगा मैं आपको। ये देखें, देख रहे हैं, ये सारी एडवांस चीज़ें, ये अभी समझ भी नहीं आएंगे आपको किस तरीके से। यही वही चीज़ है जो अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो लोड नहीं हो रहा, वरना इसी तरीके से मैं ग्राफ समझा देता अभी। ये देखें, ये कैलकुलेशन है थोड़ी, ये भी आपको समझ ही नहीं आएगी। ये देखें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये, फॉर्मूलाज और ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं इसमें। ये देखें ना, फॉर्मूला जैसे चल रहे हैं इसके पीछे, लाइटनिंग नोड किस तरीके से काम करता है, ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करती है। तो ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल के, वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है, और मैं एक दफ़ा और आपको बता देता हूँ उसको देख के। देखें, ये देखें, अभी मैं इसको देख रहा हूँ, तो अब इसको देख के DXY को गिरना चाहिए। DXY गिर रहा था, और अभी ये क्या हो रहा है, फिर ट्रांजेक्शन आ रही है इसमें, तो मतलब DXY को ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, प्रेशर के साथ ऊपर जाना चाहिए। अब देख लेते हैं, ये देख देख, फिर वही देखा, वो सिर्फ वहां से देख के इसकी प्रिडिक्शन बता रहा हूँ मैं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर बताता हूँ। चले अब देखते हैं, अभी इसको और तेजी से जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, अभी देखते हैं इसको और, ताकि इसकी कैंडल क्लोजिंग हो जाए। देखिए कितनी देर है, हो गई, अब बताता हूँ मैं देख के, इसको देखता हूँ बताता हूँ। अब कैंडल की फॉर्मेशन, पैसा आ रहा है मार्केट में, तो कैंडल की फॉर्मेशन रेड होनी चाहिए भी। देखें, देखा, मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, ये कैंडल की फॉर्मेशन रेड होनी चाहिए। देख रहे हैं आप, ये देखें, तो इसके हालात ऐसे चलते हैं। बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ये है ब्रेकआउट टाइम, तो बिट नोट की भी चीज़ें समझा दूंगा मैं। तो जब तक के लिए आप बने रहिएगा चैनल पे, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।